खबर दमोह से है, जहां पंचायत चुनाव में जिला पंचायत क्षेत्र वनगांव से चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जया ठाकुर के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने एफआईआर की मांग की है। मंगलवार को जया ठाकुर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से दोबारा मतगणना कराने की मांग की। इस दौरान उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई। जया ठाकुर ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी उर्मिला बलराम पटेल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर पोलिंग बूथ लूटने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके एक दिन पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को लेकर कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अब भाजपा अपने नेता के समर्थन में आ गई है। भाजपा के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज के साथ एसपी डीआर तेनीवार के पास पहुंचकर एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने जया पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट में जया सिंह करके एक लड़की है, उसने हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने पोलिंग एजेंटों को और पोलिंग पार्टियों को दबाव बनाकर ये बल्लू लंबरदार जी को बताया है। तो मैं ये उससे जया से भी खुद पूछना चाहता हूँ कि जब पत्रक गणना होती है तो आपकी गणना की एजेंट आपके पास बैठी रहती है, वो सारे लोग रहती हैं और पूरी पोलिंग पार्टी रहती है,